प्रायिकता जो कि एक मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है किसी भी संभावनाओं का, इसका आज दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में आपने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा, इसकी डिफिनीशन को पढ़ा, इसमें संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में बन सकते हैं उनके बारे में जाना और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया, समझा। आज हम उस दूसरे लेक्चर में उसी के आगे की कड़ी को इंट्रोड्यूस करने जाएंगे। यहाँ पर जो उन बची चीज़ों को हम लोग समझाएंगे जो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग है। प्रोबेबिलिटी को मैंने आपको बताया कि प्रायिकता पढ़ने के दौरान हम लोग यहाँ पर दो अलग तरह की परिस्थितियों को फेस करते हैं। एक हम एक दूसरी परीक्षाओं की बात करते हैं, कम्पिटेटिव जो कि हमारे लेवल की परीक्षाएँ होती हैं, जो कि UPSI BEO के बैच के लिए या उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, जहाँ भी प्रायिकता आती है उन हम अपने लेवल को कवर कर रहे हैं। जबकि एक इंजीनियरिंग लेवल की प्रायिकता होती है जिसमें कि चीज़ें बड़ी ही हाई होती हैं, बड़ी दूसरे लेवल की होती है। हम यहाँ पर अभी भी क्रमचय संचय का बिल्कुल प्रयोग नहीं किए हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन बिल्कुल अप्लाइड नहीं हुआ है, फिर भी आपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पर सीखा है। मैंने प्रायिकता को पढ़ाने के दौरान शुरुआत ही यहीं से किया था कि हमारे जीवन की उन तमाम सारी परिस्थितियों को जिसमें हम चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपना व्यू देते हैं, अपनी थाट देते हैं, बट हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते कि वो परिस्थितियाँ हमारे साथ होगी या नहीं होंगी, हम बस एक संभावना व्यक्त करते हैं। उसी संभावनाएं का मैथमेटिकल रीजन, मैथमेटिकल मेजरमेंट हमने प्रोबेबिलिटी का नाम दे दिया। अब उसको डिफाइन करते समय मैंने कल सारी बातों को बताया था कि इट इज़ द मैथमेटिकल मेजरमेंट्स ऑफ द सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, मतलब किसी भी निश्चितता और अनिश्चितता को मेजर करना मैथमेटिकली गणितीय रूप से ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसको पढ़ने के दौरान मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हम एक प्रकार का भिन्न प्राप्त करते हैं, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ाते समय आपको कहा था यह किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार के इवेंट, जो कि इवेंट तब जनरेट होते हैं जब हमारे सामने कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे आउटकम जनरेट होते हैं जिनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इस एक सैंपल स्पेस जिसको प्रतिदर्श समिष्ट भी कहते हैं, उससे कई सारे इवेंट जनरेट होते हैं, कई सारी घटनाएँ घटती हैं। इन सबको कल मैंने आपको बेसिक तौर पर समझा दिया था। घटना के भी दो रूप मैंने आपको बताया था कि परतंत्र होती है, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएँ होती हैं। किसी एक घटना जिसका नाम अगर हम लोग ए रख दें, उस ए का जो प्रोबेबिलिटी डिनोशन होता है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था दिस विल बी एन ऑफ ए अपान एन ऑफ यस हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि किसी भी एक एक्शन, किसी भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो जितनी पूरी संभावना होती है उसके सारे आउटकम्स को हम यस में रखते हैं नंबर आप, और जो हमारे फेवर की चीज़ होती हैं उसको हम एन ऑफ ए में, मतलब ऊपर की तरफ रखते हैं। जो यह रेशियो बनता है वही प्रोबेबिलिटी कहलाता है, और इस किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है एंड लेस आर इक्वल टू वन होता है। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रायिकता ना तो जीरो से छोटी हो सकती है, मतलब नेगेटिव हो सकती है, ना ही एक से बड़ी हो सकती है। इस बात को मैंने कल आपको समझाया था। मैंने आपको प्रश्नों के प्रकार भी बताए कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सिक्कों के आधार पर आ सकते हैं, डाइस पासे के आधार पर आ सकते हैं, ताश के पत्तों पर के आधार पर आ सकते हैं, थैले में गेंदें रखी गई उस पर आधार हो सकते हैं, दिनों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, मिसलेनियस हो सकते हैं। मतलब एक लंबा अप्रोच इस पूरे कॉन्सेप्ट का होता है। कल मैंने आपको सिक्कों को साथ साथ हमने जो है डाइस के प्रश्नों को कराया, इनकी परिस्थिति को भी आपको समझाया कि अगर हम एक सिक्के को उछालें, दो सिक्के को उछालें, एक डाइस को हम रोल करें या दो डाइस को रोल करें तो क्या संभावनाएं आएंगी, किस प्रकार से प्रायिकता हम मेजर कर पाएंगे, इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो बेस्ड ऑन कार्ड्स रहेगा, ताश के पत्तों पर डिपेंडेंट रहेगा। ताश के पत्ते ऐसे होते हैं जो कि हम लोग चाहे खेले हों चाहे ना खेले हों, अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको इसको पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर एक लॉजिक वर्क करता है, इसके लिए हम पूरे ताश के पत्तों को आपके सामने ओपन करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ताश के पत्तों का क्लासिफिकेशन होता है, उसी आधार पर चल करके ही आप किसी भी प्रोबेबिलिटी के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जो कि कार्ड्स पर डिपेंडेंट होगा, ताश के पत्तों पर निर्भर करेगा। मैं इस चीज़ को आपको समझाने जा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि जब भी कभी एक पैक आप प्लेइंग कार्ड हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस पैक में 52 कुल पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। इन 52 कार्ड का क्लासिफिकेशन देखिए हम दो पार्ट में पहले करते हैं। पूरी चीज़ को अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पाते हो, समझ पाते हो, तो प्रश्न एकदम से मान लीजिए कि आसान हो जाएगा, प्रश्न में कोई गंभीरता रही नहीं जाएगी। हम दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होगा वो 26 ब्लैक, जिसको हम काला कह देंगे, और 26 यहाँ पर हमारे सामने रेड होंगे, मतलब उसको हम लाल कह देंगे।
मतलब 52 को दो रूपों में बांट दिया जाता है, दो भागों में, 26 काले होते हैं और 26 आपके लाल होते हैं। इसको आप ब्लैक कह सकते हैं, उसको रेड कह सकते हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग खंडों में ब्रेक कर दिया गया। इस 26 का फिर से दो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें एक पहला जो पार्ट होता है उसको हम स्पेड कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरा पार्ट आपका क्लब कहलाता है। स्पेड को हम लोग यहाँ पर काला पान कहते हैं, स्पेड को हम लोग काला पान कहते हैं हिंदी में, जबकि क्लब को हम चिड़िया कहते हैं, क्लब को हम चिड़िया कहते हैं। इसी तरह से जैसे इसमें दो पार्ट्स बने हैं, उसी तरह से लाल में भी दो पार्ट बनेंगे, जिसमें 13, अब देखिए इनकी जो संख्या बनेगी आपको क्लियर हो गई, 13A होगी और 13A भी होगी, अर्थात आप समझ गए होंगे 13 यहाँ पर हर्ट होगा, 13 हर्ट होगा और 13 यहाँ पर डायमंड होगा। अब अगर इनके नामों की बात की जाए तो आप समझने की कोशिश करिए, हर्ट को हम लाल पान कहेंगे, हर्ट को हम लाल पान कहेंगे, जबकि डायमंड को हम ठीकरी कहते हैं। इस तरह से इनके हिंदी नाम दिए जाते हैं। आप अपनी आम बोलचाल के भाषा में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो अप्रोच है गणितीय या हमारा प्रोसीजरल, उसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कुल 52 प्लेइंग कार्ड जो कि एक ताश के गड्डी में होते हैं, उनको हम दो पार्ट्स में सबसे पहले ब्रेक कर सकते हैं, 26 काला 26 लाल। देन आफ्टर हम उस 26 को भी फिर 13-13 में ब्रेक करते हैं, काले वाले जो दो पार्ट होते हैं उसमें 13 स्पेड जिसको हम काला पान, 13 क्लब जिसको चिड़िया, 13 हर्ट जिसको लाल पान, 13 ठीकरी डायमंड कहा जाता है। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर हम एक समझ जाएंगे तो हम सबको समझ जाएंगे, मतलब प्रेजेंटेशन एक ही तरह से होगा, बस सिंबल उसमें, कलर उसमें बदला रहेगा। अब ये जो 13 होते हैं उन 13 के बारे में समझिए। 13 में पहली चीज, तो आपके पास कुछ फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड मतलब जिनके चेहरे होते हैं, जिसमें सबसे पहले किंग, सबसे पहले किंग जिसको आप बादशाह कहते हैं, राजा कहते हैं, यहाँ पर इसके बाद होती है क्वीन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिसको हम बेगम कहते हैं, रानी कह सकते हैं, इसके बाद होता है यहाँ पर जैक, जैक का मतलब गुलाम होता है, इस केस में गुलाम हुआ, इसके बाद बनकर आता है एस, ध्यान दीजिएगा इसके बाद बनकर आएगा एस, एस को इक्का कहा जाता है, एस को इक्का कहा जाता है, जैसे हम इसको बड़ा ही वैल्यूएबल कार्ड मान के चलते हैं कि एक हमारा क्या है, इक्का है। ए हमारे बन गए फेस कार्ड, फेस कार्ड के मतलब हमारे पास 4 अगर फेस कार्ड हैं तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्ड कार्ड भी होते हैं, संख्या में जो होते हैं नंबर्ड कार्ड होंगे, जो कि संख्या में होंगे। अब उस संख्या की बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो शुरुआत होती है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी, वह 2 से होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अंतिम में हुआ 10। अब 2 से क्यों होती, कि उसकी इस जो एस है इसको हम इक्का मतलब 1 से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करिए, ए हमारे फेस कार्ड हो गए, ए आपका इक्का हो गया, इसके बाद आपके नंबर्ड कार्ड जो कि 2 से मतलब 1 को भी अगर इंक्लूड करेंगे तो 10 तो नंबर हो गए 1 से लेकर 10 तक, 3 आपके पास एक्चुअल फेस हो गए। अब इन एक्चुअल फेस और नंबर को मिला दीजिए तो जो प्रेजेंटेशन इस पहले के लिए किया गया है सेम टू सेम यही इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। मतलब समझने की ये बात है कि इसमें अगर आएंगे तो उसमें भी किंग, क्वीन और जैक होगा, एस होगा, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे, सेम टू सेम इसमें होगा, सेम टू सेम इसमें होगा। बस फर्क क्या होगा कि कलर बदल जाएगा, जैसे इसमें सिंबल बदलेगा केवल, क्योंकि यह आपका काला पान है जबकि यह चिड़िया है, तो केवल सिंबल बदलेगा क्योंकि ये ब्लैक हैं। जबकि अगर इधर साइड से आएंगे तो कलर के साथ साथ सिंबल बदलेगा, मतलब लाल हो जाएगा, लाल पान, और उसके बाद हमारे पास ठीकरी, हम लोग डायमंड की तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये 13-13 सब में उसी तरह से होते हैं। अब हमारे सामने जो प्रश्न बनते हैं किसी परीक्षा में, वो बड़े ही इसी लेवल पर प्रश्न बनकर सामने आते हैं, आप लोग अनुभव करोगे और आपको बहुत आसानी से आप किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा गया कि हमने किसी एक बेलसफल्ड प्लेइंग कार्ड से, मतलब पैक ऑफ बेलसफल्ड प्लेइंग कार्ड, ताश के 52 उन पत्तों में से अगर एक पत्ते को मैंने खींचा निकाला तो उसके राजा होने, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि कुल पत्ते हमारे सामने 52 हैं, तो एन ऑफ एस मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, 52 है। इस केस में एन ऑफ एस आपके पास कितना है, 52 है, 52 है।
अगर हम लोग यहाँ पर बादशाह के निकालने की होने की प्रायिकता पता करना चाहते हैं, तो बादशाह को अगर हमने एक इवेंट ए से जनरेट कर दिया तो यह नाफ ए आपका क्या हो जाएगा, यह नाफ ए आपका 4 होगा, क्योंकि एक बादशाह यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जब हम इस बादशाह की प्रायिकता फाइन करना चाहेंगे तो पी आफ ए बिल बी एन आफ ए अपान एन आफ यस हो जाएगा। मतलब आप देख पाए हैं कि 4 बादशाह और 52 टोटल, मतलब 1/13 यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, 4 से डिवाइड कर दिया 52 को। मेरी बात आपने समझा होगा कि यहाँ पर कैसे किया जा रहा है और किस तरह की स्थिति हमारे सामने बनकर आ रही है, यह स्पष्ट हुआ होगा। अब यहाँ पर अगर कोई कहता कि बादशाह और बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बादशाह और बेगम मतलब हम 2 लेंगे, जैसे कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कुल मिला के 8 होंगे और टोटल हमारे पास 52 है, तो 8/52 कर देंगे। इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/52 होगी। काले इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो काले में 2 ही इक्का बनेंगे, 2/52 होंगी। लाल 2 होने की, मतलब 2 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप उसके हिसाब से बता दीजिए। मतलब अगर यह स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर प्लान कर लिया है, समझ लिया है, तो आपको इसके किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़, खूब गंभीरता के साथ इस स्ट्रक्चर को समझिए। और अगर मान लीजिए आप इस लेक्चर को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहली चीज़ आप जा करके इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिए। पहला पार्ट अगर आप देखोगे तो आप दूसरे को रिलेट कर सकोगे और बहुत ही आसानी के साथ आप प्रायिकता को हल कर सकेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिए नेसेसरी है। इस परिस्थिति को अगर हम प्रश्नों में ढालें तो कैसे प्रश्न बनेंगे, इसको मैं एक एक करके दिखाता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका, जिससे क्लियर हो सके। मेरी बात को समझिए। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छया खींचा जाता है, मतलब सफल पैकिंग ऑफ द प्लेइंग कार्ड है। जब कभी आप देखते हैं कि जहाँ पे ताश खेला जाता है, वो लोग ताश के पत्तों को सफल करते हैं, जिसको हिंदी में पीसना कहते हैं, कि आपस में पीसते हैं, देन उसमें से एक पैक, मतलब कहते हैं कि उठा लो। अब इसका अर्थ होता है कोई चीटिंग नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ को फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए एक उठा देने से किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो उसने अगर एक पत्ते को निकाला तो कहा उनके बादशाह तथा बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि हर जगह 13 हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मान लीजिए ये दोनों ब्लैक के थे, ये दोनों रेड के थे। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें भी 2 जगह किंग होगा, 2 जगह, मतलब इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, और सॉरी क्वीन होगी, क्वीन होगी, इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, सेम टू सेम, इसमें भी क्वीन, इसमें भी क्वीन, इसमें भी किंग, इसमें भी किंग। आप समझ गए होंगे, कुल मिला के मैंने अभी बताया था कि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन हुई, तो कुल मिला के 8 किंग और क्वीन हो गई। तो इसकी प्रायिकता मैं सिंपली कह सकता हूँ कि 8/52 होगी। 4 × 8 कर दीजिए, 4 × 13 = 52 होता है, तो 2/13 हम इसको 13 कह सकते हैं। मतलब अगर हमने कहा कि हम एक बेल सफल प्लेइंग 52 के ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं, उनके बादशाह तथा बेगम होने की प्रायिकता 2/13 बनकर हमारे सामने आ रही है। आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लिए होंगे, समझ पाए होंगे। दूसरी चीज़ हमसे पूछा है, आप देख लीजिए, दूसरी चीज़ हमसे पूछा है उनके लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि अगर हम रेड की तरफ ही रहेंगे केवल, तो रेड में भी 2 पार्ट हैं। आपने नोटिस किया कि आपको रेड में भी 2 पार्ट हर्ट मिला था, मतलब आपको लाल पान मिला था, और डायमंड मतलब आपको ठीकरी मिला था। तो इन दोनों में भी अलग अलग बेगम थी, मतलब क्वीन थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, तो 2 ही क्वीन हैं। लेकिन अगर हम कुल की बात करें, कुछ लोग कन्फ्यूज होकर के रेड 26 ले लेंगे, तो ये गलत है। यहाँ पर टोटल आउटकम्स आपका 52 ही माना जाएगा, मतलब हम 2/52 कर दें, तो 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 26 यहाँ पर 52 हो जाता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका 1/26 आ जाएगा। कहने का अर्थ होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लाल क्वीन की बात करते हैं, लाल रंग के बेगम की बात करते हैं, तो लाल रंग की बेगम यहाँ पर 2 बनेंगी, कुल मिला के हमारे पास 52 है, तो 2/52 कर दिया, 1/26 यहाँ पर प्रायिकता बनकर हमारे सामने आएगी। यह बात आपने समझा। अब दूसरी तरफ फिर से एक प्रश्न हमने उठाया, इसको देखिए, इसको समझिए और कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए और कॉन्सेप्ट को बेहतर करिए। कहा गया है ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता, फिर से उसी तरह से यादृच्छया खींचा जाता है, ज्ञात कीजिए
इसके काला होने की प्रायिकता। अब आपको बताया गया था कि अगर 52 प्लेइंग कार्ड है तो ब्लैक आपके 26 हैं और रेड भी आपके 26 हैं। ब्लैक 26 हैं और रेड 26 है। अगर हम किसी ब्लैक को ही निकाल रहे हैं, काले को ही निकाल रहे हैं, तो इसके काला होने की प्रायिकता सिंपली 26/52 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। समझ लीजिए, कुल ब्लैक 26 हैं और कुल टोटल यहाँ पर मेरे सामने 52 हैं, तो 26/52 मतलब 1/2 एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रायिकता हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसमें पूछा इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि इक्का केवल ब्लैक का लेना है कि रेड का लेना है। इसका मतलब हम पूरे 52 में से इक्का लेने जा रहे हैं। अगर मैं पूरे 52 में से इक्का लूंगा तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम 4 इक्के लेंगे। भाई हर जगह पर हर 13 में एक बार इक्का जरूर है। 4/52 कर दीजिए, इसका मतलब 1/13 आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1/13 आप नोट कर सकते हैं। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द एस फ्रॉम द बेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। अगर हम 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं तो उसका इक्का होने की प्रायिकता 1/13 हो जाएगी। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। एक और प्रश्न यहाँ पर बहुत बेहतरीन देखी दिया गया है, आप लोग समझोगे तो इससे भी अपने कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव कर पाओगे। कहा गया ताश की एक गड्डी जिसमें कुल 52 पत्ते हैं, वास्तव में ही हैं, एक पत्ता खींचा जाता है। पत्ते के इक्के होने के पक्ष में संयोगानुपात मतलब दोनों का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो क्या होगा। अभी अभी इसी बात को हम लोगों ने पढ़ा। हमको पता है कि हर तेरह में एक इक्का स्पष्ट है, चाहे वो आपके दोनों ब्लैक का हो चाहे दोनों आपके रेड का हो, एक इक्का तो फिक्स है। अगर एक इक्के इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें, तो कुल मिला के 4 इक्के हमको मिल गए। और हम अगर पूरे पैक की बात करें तो हमको पता है कुल 52 टोटल पैक प्लेइंग कार्ड का होता है, ऑलरेडी दिया भी है। मैं 4/52 कर दूं मतलब 4/52 कर दूं, 4 × 4 होता है, 13 × 4 = 52 होता है। इन दोनों के बीच जो अनुपात होना चाहिए वो 1/13 होना चाहिए, जो कि आपको पहले ऑप्शन में साफ साफ दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके ताश के गड्डी पर डिपेंडेंट बनते हैं। इसमें देखिए आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होगी, केवल आपने अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ताश के पत्तों का सीख लिया है तो कोई प्रश्न आपका नहीं रुकेगा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज, अब मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न नजर आएंगे, जो कि जैसे पहले से भी मैंने मेंशन कर रखा था कि आपको ताश के पत्तों के साथ साथ एक ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए हम एक बैग ले लें और उस बैग मतलब दो तरह की बैग हैं, एक तो विजिबल होती है जिसमें जो सामान होता है दिखता है, जिससे दूसरा तो इनविजिबल है, जैसे अगर जो सामान हो दिखे ना। मान लीजिए एक थैला है उसमें कुछ गेंदे अलग अलग कलर की लेकिन सेम शेप सेम साइज की हमने डाल दिया। मैंने कुछ ब्लैक गेंदे कुछ रेड गेंदे इस प्रकार से मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया। मैंने कुछ मान लीजिए 5 रेड डाल दिया, मैंने यहाँ पर 4 ग्रीन डाल दिया। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर सपोज करिए 3 हमने वाइट डाल दिया। अब ये ऐसी गेंदे हैं जिसमें हम कलर को हाथ डाल करके तो जज कर नहीं सकते हैं कि आपने हाथ डाला और समझ जाएंगे फला कलर की है, ऐसा तो डिसाइड किया नहीं जा सकता है। हम साइज अगर डिफर होती तो हम जरूर पहचान लेते, लेकिन साइज सेम है, अगर समान आकार की समान आकृति की हमारे पास अलग अलग गेंदे हैं, एक थैले में सब की सब डाली जाती हैं, उस दौरान अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर गेंद की चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो सॉरी रेड हो चाहे ग्रीन हो चाहे वाइट हो, अगर उसके होने की प्रायिकता निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर इस तरह के एक थैले में इतनी इतनी अलग अलग गेंदे हैं तो उनके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। लाल आपके फेवर का है और टोटल आप देख रहे हैं, यह टोटल है, टोटल जो मेरे सामने है वो 5, 4, 9, 3, 12 है, और लाल की बात कीजिए तो केवल 5 है, तो पी ऑफ रेड आपका हो जाएगा 5/12। आप समझ गए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, कितना आसान सा प्रश्न बन रहा है। कह रहा हूँ ग्रीन ना हो, ऐसी गेंदे नॉट ऑफ द ग्रीन मतलब पी ऑफ नॉट ऑफ ग्रीन, जो ग्रीन ना हो उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप ग्रीन हो इसको निकाल कर 1 से माइनस कर सकते हैं या ग्रीन को काट दीजिए। ग्रीन को अगर हम काट देंगे तो 5 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 8/12।
मतलब आप 4 × 2 = 8 कर सकते हैं, 4 × 3 = 12 कर सकते हैं, जिसका उत्तर 2/3 हो जाएगा। तो पी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी 2/3। ये आप देख पा रहे हैं कैसे बन रहा है। मैंने आपको कहा आप चाहते तो अगर हम ग्रीन होने की प्रायिकता निकाल देते तो ग्रीन होने की प्रायिकता आप देख रहे हैं कि 4/12 होता, मतलब 1/3 होता। अब हम नॉट ऑफ ग्रीन, कल मैंने इस बात को आपको बताया था कि अगर हम होने की स्थिति पता कर लें तो ना होने के लिए आप 1 से उसको घटा दीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ना होने की प्रायिकता क्या होगी, जो मैंने पहले से आपको बता दिया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके थैले पर डिपेंडेंट बनते हैं। मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। कहा गया 3 लाल 4 हरी तथा 3 काली गेंदे, मतलब किसी एक थैले में यहाँ पर बोला गया है 3 रेड हैं 4 ग्रीन हैं मतलब हरी हैं और 3 यहाँ पर ब्लैक हैं, काली हैं। ध्यान दीजिएगा, गेंदों के एक समूह में से, मतलब एक थैले में इस प्रकार की समान आकृति की समान शेप की गेंदें हैं, इनके लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी। हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद मतलब रेड को छोड़ दीजिए, और अगर पी ऑफ नॉट रेड हमको फाइंड करना है तो मैंने अभी जैसे इसके पहले वाला बताया उसी प्रकार से आप दोनों तरह से उत्तर दे सकते हो। आप रेड को छोड़कर इन दोनों को ले लीजिए तो जो दोनों मिलकर 7 हैं और टोटल गेंदों की संख्या यहाँ पर 3 × 3 = 6 = 10 है, तो 7/10 लिखा जा सकता है। या अगर हम केवल रेड की प्रायबिलिटी फाइंड कर लेते जो कि 4/10 होती, क्यों क्योंकि आपको जो रेड की संख्या दिख रही है इसमें वो है 3 दिख रही है और कुल संख्या हमने देखा कि 10 है, 3 × 3 = 6 = 10। तो पी ऑफ रेड अगर मुझे 3/10 दिख जाता तो पी ऑफ नॉट रेड अगर फाइंड करना होता तो 1 − 3/10 कर देते तो 7/10 तो ऐसे ही पता चल जाता। मतलब हम चाहेंगे तो पी ऑफ रेड हम निकाल सकते हैं, पी ऑफ नॉट रेड भी निकाल सकते हैं, हम कुल में से लेके निकाल सकते हैं, मतलब जो स्थिति मैंने यहाँ पर समझाया किसी भी सिचुएशन से चलकर उत्तर दिया जा सकता है। दूसरा, इसने हमसे कहा हरी तथा काली गेंद होने की प्रायिकता, केवल इसने हरी तथा काली की बात किया है, मतलब इसने यहाँ पर तीसरा, जैसे हरी मतलब ग्रीन और ब्लैक आपको काली दिख रहा है, मतलब इसने भी रेड को ना होने की बात की है। इस स्टेटमेंट को कह करके उसने एक तरह से रेड को इग्नोर किया है, मतलब उसने केवल हरी तथा काली गेंदों की बात किया है जो कि कुल मिला के 7 है। मैंने कहा ग्रीन प्लस ब्लैक इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो ग्रीन कुल 4 हैं और आपको ब्लैक 3 दिख रही हैं, तो यहाँ पर 4 × 3 = 7 है और कुल संख्या 10 है, तो उत्तर 7/10 इसका भी हो जाएगा। चाहे आप वैसे रीड करिए चाहे ऐसे रीड करिए, आप आंसर तो तुरंत कर सकते हैं। यह बात भी आपको क्लियर हुई होगी कैसे इस तरह के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आगे मैं बढ़ूंगा, इसी पर और एक दो प्रश्न हम देखें तो ज़्यादा स्पष्ट हो पाए पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हमसे कहा गया 20 हरा मतलब 20 ग्रीन 15 रेड 15 लाल मतलब 15 रेड एक बर्तन में डाले जाते हैं। 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी। एक हरा गेंद अगर हम सोच रहे हैं तो आपको पता है कि आप हाथ डालेंगे बैग के अंदर तो आपको पता है कि कौन सी गेंद निकलेगी, आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन उसके हरा होने की प्रायिकता, तो हरा होने की पॉसिबिलिटी मुझे 20 की नजर आ रही है, मतलब 20 बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम हरी गेंद चुनेंगे, जबकि कुल गेंदों की संख्या देखा हमने तो यहां पर हमारे सामने 20 और 15 को जोड़ दिया जाए तो कुल 35 गेंदें हमको बॉक्स में दिख रही है, थैले में हैं, उनके केवल इसने बोला है हरा गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो हरा की संख्या 20 है तो मैं 20/35 कर देता हूं, 20/35 मतलब 5 × 20 5 × 35 आंसर विल बी 4/7 जो कि थर्ड ऑप्शन में आपको देखिए दिया गया है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। स्पष्ट स्थिति है, आपने नोटिस किया कि अगर हमसे केवल ग्रीन का पूछ रहा था तो ग्रीन की संख्या 20 टोटल 35 तो 20/35 4/7 आपके सामने स्पष्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन रहा है। इस तरह के और प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम आपको जैसे अभी बताए हैं कि हमने आपसे कहा कि स्थिति क्या है, स्थिति हमने जैसे अलग अलग सिचुएशन की बात करी, मैंने
गार्ड की बात करी, मैंने ऐसे ही आपको बैक की बात करी, इस प्रकार का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा चाहे इस शब्द को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे हम सबको अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि जो ईयर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपके सामान्य वर्ष होते हैं, दूसरे लीप वर्ष होते हैं। आपको इसको स्पष्ट तौर पे आप रीजनिंग में भी इस बात को जानते हैं, सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। सामान्य की बात करूं तो 365 दिन होते हैं, जबकि लीप की बात करें तो 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन बढ़ जाता है जो कि हर चार साल के इंटरवल पर आता है, जब आपकी 29 डेज की फेब होती है। इस बात को आप स्पष्ट जानते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए हम किसी महीने में या किसी साल में अगर हम दिनों को नोटिस करें, आपको पता है कि हम सभी जो पैदा होते हैं तो हम सब अगर किसी एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि अगर हम उनको क्लासिफाई करें, हर 7 व्यक्ति के बाद अगला व्यक्ति एक दिन को रिपीट कर जाता, जो उसकी बर्थडे होती है वो रिपीट करना शुरू कर देती है। भाई अगर आपने सोचा कि यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए हैं, 1000 में क्या सभी का बर्थडे सेम हो सकता है? डे की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो दिन है यही तो किसी ना किसी का बर्थडे होगा, तो हर 7 दिन के बाद व्यक्ति रिपीट करना शुरू कर देता है। मतलब ऐसे मैंने कहा कि अगर एक महीने में मान लीजिए मैंने कहा 30 दिन है, तो उस 30 दिन में हर एक दिन के आने की पॉसिबिलिटी अगर मैं सोचूंगा, संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, वेंसडे की, थर्सडे की, सबकी, तो 7 से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, तो 7 से डिवाइड करते ही हर एक दिन, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, सबके सब 4-4 बार आएंगे, सबके सब 4-4 बार आएंगे। अब जो हमारे पास 2 दिन बचा 7 × 28 होने के बाद, ये जो 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन आगे में इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट कर लेगा। मतलब हो सकता है संडे 5 बार आए तो मंडे भी 5 बार आ जाएगा, हो सकता है कि मंडे 5 बार आए तो ट्यूसडे आ सकता है, इस तरह से ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं 365 को 7 से भाग दूँ तो 7 में कितना बार जाता है, देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, मतलब ये फिक्स हो गया कि 52 डेज का मतलब 52 टाइम हर एक दिन रिपीट होता है पूरे साल में। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब के सब 52 बार पक्का आते हैं सामान्य वर्ष में। अब 52 अगर खत्म हो गया तो आपने देखा कि यहाँ पर 52 टाइम्स मतलब बार गया, तो आपने नोटिस किया कि एक दिन शेष बचा। इसमें हमने नोटिस किया कि एक दिन शेष बचा। अब जो एक दिन बचा है वह एक दिन कुछ भी हो सकता है, 7 में कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई एक दिन आपका 53 बार आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो 53 बार आएगा। यही चीज अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूं तो आपको पता है 52 बार जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बचेगा। अब जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 ऐसे दिन होंगे जो कि 53 टाइम्स आएंगे पूरे वर्ष में। हमारे यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इस बात को आपको समझाया, मुझे लगता है कि आप स्पष्ट कर पाए होंगे कि अगर सामान्य वर्ष होता है तो प्रतिदिन मतलब हर एक डेज 52 बार खुद को रिपीट करते हैं, बट एक कोई ऐसा दिन होता होगा, क्योंकि शेषफल इसमें एक बचता है, जो कि खुद को 53 बार रिपीट करता है। जबकि यही चीज अगर लीप ईयर में आप जाओगे तो हर एक दिन 52 बार रिपीट होता है, बट 2 दिन ऐसे होते हैं जो खुद को 53 टाइम्स रिपीट करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, अगर हम उस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या है, एक लीप वर्ष में केवल 52 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी, केवल 52 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी, इस प्रश्न को हमसे पूछा गया है। तो आइए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि एक लीप वर्ष में केवल 53, या हम केवल को यहां से हटा दें, केवल से कोई मतलब नहीं है, कि 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। एक लीप वर्ष में इसने हमसे कहा कि 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा हमसे पूछा एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके सामने एक प्रश्न है। इसने हमसे कहा एक लीप वर्ष में 53 मंगलवार तथा एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपने देखा था लीप वर्ष में हमने देखा कि रिमाइंडर 2 आया था, मतलब 7 में से 2 दिन ऐसे होंगे जो कि यहां पर 53 टाइम्स आ सकते हैं।
इसलिए इसकी जो प्रायिकता बनेगी वह 2/7 बनेगी। अगर हम लोग यहां पर कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी लीप वर्ष में 53 टाइम्स मंगलवार आने की प्रायिकता की बात अगर मैं करूंगा तो वह आपकी 2/7 होगी। जबकि यही चीज अगर सामान्य वर्ष में लेकर आएंगे तो रिमाइंडर 1 होता है और इस समय अगर हम लोग 53 मंगलवार लाने की प्रायिकता की बात करेंगे तो यह आपको पता है कि शेषफल अगर 1 तो एक ही दिन ऐसा होगा साथ में जो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी को फॉलो करेगा जो कि इसकी प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, बस आप स्पष्ट किए रहना कि वह लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष में रिमाइंडर 2 होता है, इसका मतलब 2 दिनों के चांस बनते हैं तो यह 2/7 होगा, जबकि सामान्य वर्ष में यहाँ पर 1 रिमाइंडर बनता है तो यहाँ पर 1/7 होगा। यह इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा। आपको बस इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस को समझनी है और इस प्रश्न के ऊपर बस इतना ही आंसर आपको देने की जरूरत है। आपके यहाँ अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप इसको परफॉर्म कर सको, दे सको। यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप समझ पाए होंगे, इसको आप अच्छी तरह से कर पाए होंगे। संस्थान की कुछ जानकारियां देना भी आवश्यक है, क्योंकि हम सब इस समय, आज से संस्थान में बैचेस को क्लोज किया गया है, आज से जो है कक्षाओं को बंद किया गया है, ये लॉकडाउन बकरीद और साथ साथ रक्षाबंधन के त्यौहार की वजह से। 7 तारीख से आपकी बैच, मतलब जिस बैच के लिए इस क्लास को भेजा गया है, RSI जो कि रैंकर्स बैच है SI की, जिसको हम लोगों ने संस्थान ने प्लान किया है, उस बैच के लिए अगर हम इस क्लास की बात करें तो इस क्लास को हम लोग 7 तारीख से, क्योंकि इसमें एडमिशन की डेट 31 तारीख तक की थी, अब यह एक्सटेंड भी हो सकती है क्योंकि 4-5 दिन तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी, अगली क्लासेस हम लोग की 7 तारीख से होंगी, तो आपके पास अभी भी मौका है। अगर आप इस रैंकर्स RSI बैच से, रैंकर्स SI बैच से ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस सिस्टम पर इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं जो बार बार हर एक टीचर अपने वीडियोस में बताते हैं। आप इस नंबर का यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है एंट्री फॉर RSI, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप संस्थान के इस बैच से, जो कि एक इंस्पिरेबल बैच होगा, मतलब एक ऐसा बैच होगा जो लाइफ चेंजिंग बैच होगा, इस बात की मैं सिक्योरिटी आपको देता हूं, इस बैच से जुड़ने के लिए आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, तथा कॉलिंग के लिए भी बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। आप इन नंबर से कॉन्टैक्ट करके अभी भी 3-4 दिन तक इसमें जुड़ सकते हैं, जिससे 7 तारीख से सुचारू रूप से क्लासेस कंटिन्यू की जा सके। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इतनी बातों के जानने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग कहाँ पढ़ते, सारी बातों को समझते हैं। मैंने आपको समझाया कि कैसे लीप वर्ष और कैसे सामान्य वर्ष की दिनों की संख्या के हिसाब से उसकी प्रायिकता को निर्धारित किया जाता है। एक प्रश्न इसका जो बनता था, मैंने आपको बताया कि 53 मंडेस के होने के चांसेस, वो भी अलग अलग, कब के लिए, एक सामान्य वर्ष के लिए, एक लीप वर्ष के लिए, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें एक और प्रकार के प्रश्न, जो कि थोड़ा सा माइस टाइप का, मिसलेनियस टाइप के होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर किसी एक चीज़ के 2 ही आउटकम्स हो रहे हों, मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि आपको आंसर देना है केवल यस आर नो में, या आप कोई फॉर्म में ऑप्शन रहता है, कॉलम रहता है कि हाँ या नहीं में ही टिक करना है, आप इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को फेल कर चुके हैं, कोई परीक्षा हुई तो एक छात्र फेल होगा या पास होगा, क्रिकेट मैच हुआ तो जीतेगा या हारेगा, इस प्रकार की स्थिति के अनुसार एक प्रश्न बनाया गया। एक परीक्षा में छात्र ए के उत्तीर्ण होने के चांसेस या प्रायिकता 0.6 है, उसके अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। अब 0.6 को आप चाहें तो भिन्न बना दें, आप समझ गए होंगे कि 6/10 हो सकता है, मतलब 3/5 भी कहा जा सकता है। अगर इसके पास होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 3/5 है, तो फेल होने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 1-3/5 हो जाएगी, मतलब आप इसको 2/5 कह सकते हैं। केवल अगर आंसर हमारे दशमलव में ही दिया गया है तो आपको तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर पास होने की प्रायिकता 0.6 थी तो फेल होने की प्रायिकता आपकी 1-0.6 होगी, जो कि 0.4 हो जाएगी। मतलब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट 1 से माइनस कर दीजिए। हाँ का दिया है तो नहीं का निकलेगा, नहीं का दिया है तो हाँ का निकलेगा। आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। एक और प्रश्न इस पर देखते हैं हम लोग। कहा गया कि किसी परीक्षा में छात्र बी के पास होने की प्रायिकता फेल होने की प्रायिकता का 2/3 है। पास होने की प्रायिकता फेल होने की प्रायिकता की 2/3 है, तो हमसे उसके पास होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पता है
फेल प्लस पास, जैसे हेड प्लस टेल, अगर दोनों की बात करें तो कंप्लीटली वन मिलता था। इसी प्रकार से अगर हम पास और फेल दोनों की प्रायिकता को अगर हम जोड़ेंगे, पास और फेल दोनों की प्रायिकता को अगर हम जोड़ेंगे तो एक आएगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आप समझो, इसने कहा फेल होने की प्रायिकता की 2/3 है, तो अगर हमारे पास फेल होने की प्रायिकता, फेल होने की अगर प्रायिकता, होने की प्रायिकता को अगर हम लोगों ने यक्स समझा, तो पास होने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, पास होने की प्रायिकता आपकी इसकी 2/3 मतलब 2/3x हो जाएगी। ये देखिए, यह आपके पास होने की प्रायिकता बन गई, फेल होने को मैंने ऐसे अज्यूम किया था। अब इन दोनों प्रायिकताओं का जोड़ x प्लस 2/3x, दोनों का जोड़ एक होना चाहिए, मतलब 3x और 2x मिलके 5x, 3 बराबर एक होना चाहिए। तो आप x का मान यहाँ पर 3/5 बता सकते हैं। लेकिन x है क्या, ये तो फेल होने की प्रायिकता है, आपको क्या करना है, पास होने की प्रायिकता निकालनी है। आपके पास दो तरीका था, यहीं से इसी को एक से घटा देते तब भी आ जाता, नहीं तो आप लिख सकते थे 2/3 × x मतलब 3/5, 3 से कटा 2/5 हो जाएगा, 2/5 उस छात्र बी के पास होने की प्रायिकता हो जाएगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसी को एक से घटा करके भी आंसर बता सकता था, बट यहाँ पर पूरे प्रोसेस को आपने समझा कि हम ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में मिलेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। अभी भी मैंने आपको बताया कि हमने कोई परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं अप्लाई किया है, फिर भी हम 90% से ज़्यादा के प्रश्नों को ऐसे कह सकते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस स्तर के प्रश्नों को कर लिए हैं। लेकिन फिर भी मैं सेशन लूँगा इसके, और एक टाइम इंटरवल के बाद मैं परमुटेशन कम्बिनेशन को क्लियर करते हुए अब कुछ और स्तरीय प्रश्नों को भी इस पर कवर करूँगा। वह टॉपिक भी आपको बहुत ही आराम से क्लियर होगा। पूरे सेशन को अगर आपने देखा है तो यह पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अभी को क्लिक करके देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ समझो, और मैं आपको कहूँगा इसको भी देखने से पहले इसका पार्ट वन देखना, तो आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। आज इतना ही मैंने संस्थान की तरफ से आपको प्रोवाइड किया। हमारे इस लेक्चर के माध्यम से आप प्रोबेबिलिटी को सीख सकते हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। संस्थान की तरफ से और गतिविधियाँ आपके सामने हैं, सब चीज़ें चल रही हैं उसी प्रकार से जैसे हम लोग करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग का अस्तित्व है। मैं फिर से मिलूंगा एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।